आज उसने जो मुझे अपनी मॉम का ये जो लॉकेट था ये दिया है, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. बहुत ही क्लियर कट दिग्विजय कहाँ, अजित कहाँ. मैं श्योर हूँ आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन वन पर्सन, दैट इज डिकिला. मोस्ट अट्रैक्टिव स्प्लिट विलन आई थिंक कशिश. आई थिंक सारी लड़कियां कशिश का नाम ले रही है. हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी इनसाइडर आसमा फल्ला और अभी हुआ है सरप्राइज डंपिंग जो सनी एंड तनुज ने किया है. जहाँ से डंप हुई है उन्नति, ये बहुत बड़ा सरप्राइज डंपिंग हुआ है. क्या आप रेडी थी इस चीज़ के लिए? बिल्कुल भी रेडी नहीं थी. मतलब था कि होगा एक दिन ऐसे आएगा एक मोमेंट, और उसमें कोई ये नहीं, मतलब था मोमेंट कि होगी एकदम से एक सीक्रेट डंपिंग होगी, बट आज होगी और उसमें मैं ही निकल जाऊंगी, वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. हर्ष और शोभी साहब ये वोट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको आएगा? हाँ, मैं कहीं ना कहीं कर रही थी, और इसलिए नहीं कर रही थी कि मेरा पर्सनल कुछ उनसे है, बस मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि दिग्विजय छेड़ता है सबको और सबकी दिग्विजय से कलपती है, उसे पता है कि वो स्ट्रांग है. काफी लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि तू निकलेगी तो दिग्विजय के चक्कर में निकलेगी, बट मैं आज प्राउडली बोल सकती हूँ कि अगर मैं इस शो में रही भी हूँ ना तो हजारों बार दिग्विजय के सेव करने पर रही हूँ. उसने अपनी सारी जान लगा दी मुझे सेव करने के लिए, तो आज अगर मैं उसके वजह से निकल रही हूँ ना तो मुझे 1% रिग्रेट नहीं है कि मैं निकल रही हूँ शो से. दिग्विजय ने आपको ये बहुत प्यारी सी चेन दी है जिस पे डी लिखा है. या और उसकी मॉम ने दी थी एंड उसने मुझे दी. मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग दोनों ही हम लोग एक्सप्रेसिव नहीं है. हम मतलब ऐसे लोगों के सामने से पीडीए नहीं करते या कुछ नहीं करते, बट एक पर्सनल जो हमारा कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. और आज हमें एक और बार ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जितना हम सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे थी. अभी जैसे कि आप बाहर आ गई हो, विल यू कंटिन्यू विद दिग्विजय? क्योंकि दिग्विजय के फ्रेंड्स बहुत बोलते हैं कि उन्नति तो बाहर जाके उसको गोस्ट कर देगी. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं बाहर जाके बिल्कुल ये हो जाऊँगी वो हो जाऊँगी, बट चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है आई वुड से. एंड स्टार्टिंग में हमारा यही था कि नहीं गेम है, गेम के लिए करते हैं, बट आई थिंक चीज़ें सीरियस हो गई है. एंड मैं उसका ऑफकोर्स वेट करूँगी. बाहर आएंगे हम, एक दूसरे को जानेंगे, बिकॉज अभी हम विला में थे 24/7 एक साथ थे. बाहर आके और भी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं, मतलब मेरी तरफ से, बिकॉज आज उसने जो मुझे अपनी मॉम का ये जो लॉकेट था ये दिया है, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. एंड मुझे बस ऐसा हो रहा है कि यार काश मैं थोड़ा और एक्सप्रेस कर लेती, काश हम और बातें कर लेते. प्रिंसिपला में ना हमेशा एक पक्की दोस्ती देखने को मिलती है. इस बार मुझे लड़कों की तो कुछ खास दोस्ती दिख नहीं रही है, बट आपकी और डिकिला की एग्जाइल से लेके यहाँ तक, आई थिंक मुझे वो मेरा सबसे प्यारा वाला पॉइंट है जो आप दोनों की दोस्ती हमको देखने मिली है. आई थिंक डिकिला और मेरा, मतलब डे वन पे ना रूरू और नायरा ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि हम ना साथ में आए और मैं अकेली हो जाऊँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हम मुझे डम डम बोल रहे थे ना, उन सबको पता था कि आई एम वेरी स्मार्ट एंड प्लेइंग माई गेम. ठीक है, तो वो चाहते थे कि अकेले, अगर इसे हम अकेला कर देंगे तो ये टूट जाएगी. और मैंने डिकिला को बोला बड़े प्यार से कि यार अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तो को दोनों को चूज करें तो कर ले, पर उस बंदी को पता था कि कौन सच्चा कौन नहीं. और उस दिन से हमारी जो फ्रेंडशिप हुई है ना, जो आज तक है और जो आगे तक भी रहेगी, वो किसी की इस विला में नहीं हो सकती, आई कैन बेट यू. एंड हर किसी ने, हर एक दोस्त ने इस विला के अंदर एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे चीज़ें बोली हैं, बट ये मैं श्योर हूँ आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन वन पर्सन, दैट इज डिकिला. अब सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे? मैं दो लोगों को मिस करूँगी वैसे, बट मैं डिकिला को ज़्यादा करूँगी, बिकॉज 24/7 डिकिला भी मेरे साथ रहती थी, सोते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, हर चीज़ हमने साथ में करी है. एंड ऑफकोर्स आई एम गोना मिस दिग्विजय एज वेल, बिकॉज एक वो लव कनेक्शन जो मुझे फील हुआ सिर्फ उसके साथ ही हुआ. जब वो आइडल मैच के लिए गया था, मेरे को इतनी ऐसे में जल रही थी, आई कैन नॉट इवन टेल यू. इतनी जल रही, वोट भी किया था मैंने, वोट किया था बिकॉज मेरे को पता है कि वो वहाँ बैठे हैं तो कुछ सोच के बैठा होगा. और मुझे सपोर्ट करना है, चाहे किसी भी सिचुएशन होती है ना, आपका दोस्त हो या चाहे आपका लव कनेक्शन हो, वो गलत हो या सही हो, हम सपोर्ट करेंगे. आप एक चीज़ जो स्प्लिटविला पे करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, थोड़े कुछ लोगों की औकात दिखाना चाहती थी उन्हें, बट वो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं फालतू में लोगों से क्या ही लड़ूँ, क्यों ही लड़ूँ, मेरे को इनके अगली गेम्स में घुसना ही नहीं है. बट आई फील लाइक कि मुझे बोलना चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें बोलनी चाहिए थी. अभी आपके पास मौका है, आप बोल सकते हो. किसके बारे में आप बात कर रहे हो एग्जैक्टली? हर्ष, जो कि एक्चुअली में, मतलब वो मुझे सबसे फेक लगते हैं आई वुड से, यहाँ पर विला में सबसे फेक है उनका. एक्चुअली में ऐसा होता है 1 2 3 एक्शन एंड ही स्टार्ट सेइंग थिंग्स. मतलब बहुत सारे लोग हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो कि
मतलब अजीब, मतलब उनको ना दिखाना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं उनके बीच में क्या ही बोलूँ, उनकी मेरी से पर्सनल बीफ तो नहीं है कोई, बट या आई वुड हैव सेड थिंग्स। डू यू थिंक यू हैव गॉटन ओवर योर एक्स आदित? डेफिनेटली, आदित और दिग्विजय को खड़ा कर लो, कोई भी ओवर हो जाएगा। आदित यू नो नेवर, बहुत ही क्लियर कट, दिग्विजय कहाँ आदित कहाँ। एक आइडल मैच जो आप अभी देखना चाहते हो बन जाए? अनिकेत और डिकिला, तो एक तो प्रूफ हो गया कि वो दोनों आइडल मैच है, अब मैं उन्हें पावर में देखना चाहती हूँ। आइडल मैच तो ऑफकोर्स मैं दोनों को देखना चाहती थी और मैंने देखा भी, आई वाज सो हैप्पी। मतलब डिकिला और मैं शायद किस्मत साथ में लिखवा के लाए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों 2 मिनट के लिए आइडल मैचेस बने और हमने टास्क भी जब भी परफॉर्म करते हैं साथ में जीतते हैं, तो आई थिंक बेस्टीज, एक्चुअल वाला बेस्टीज हम दोनों। आई थिंक अगर डिकिला और अनिकेत आइडल मैच बनते हैं वो आपका रिवेंज तो आई थिंक 100% लेगी। 200%, मतलब ये बात मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, मतलब उसकी, मतलब हम दोनों की ना प्रायोरिटी बहुत वो थी हमारी, हम सबको नहीं प्रायोरिटी बना देते कि तू 1 पे है, तू 2 पे है, 3 पे, प्रायोरिटीज ये नहीं होती, प्रायोरिटी सिर्फ एक इंसान होता है, एंड आई थिंक वो हम दोनों के बीच में बहुत क्लियर था, एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड नाउ वी विल प्ले अ क्विक रैपिड फायर फेक कपल, नायरा एंड अरबाज। व्हाई कैन आई आस्क? बिकॉज़ वो दोनों एक दूसरे के बारे में आकर इतना कुछ बोलते हैं अपने फ्रेंड्स में, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें कि हमारा आप बाहर जाके कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, और वो मेरी तारीफ़ नहीं करता, और मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, मतलब एक कपल वाली फील होती है ना, वो दोनों में है ही नहीं। मोस्ट अनोइंग, हर्ष। आई वॉज नोइंग दिस आंसर, पता था हर्ष का ही नाम आने वाला है। मतलब एक होता है कि आप ओपिनियंस रखो अपने, अच्छी बात है, ओपिनियंस रखना अच्छी है, बट हर चीज़ में बिन बात के, और वो भी 1-2-3 एक्शन वाला, इतनी एक्टिंग नहीं हर वक्त, नहीं अच्छा नहीं लगता हर वक्त, सकता है चुप चुप चुप। टू फेस्ड पर्सन, नायरा इज वेरी डबल फेस्ड, या बिकॉज डिस्परेट वो इतनी हो जाती है टेंशन के लिए कि वो किसी के भी सीक्रेट्स हो चाहे कुछ भी हो, मतलब फ्रेंडशिप उसके लिए कोई मैटर नहीं करती, ठीक है जीतना इज इम्पॉर्टेंट, और तुम एक छोटी सी बात पे लोगों के बारे में बना बना कर इतनी अगली चीजें कर दोगे, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। मोस्ट अट्रैक्टिव स्प्लिट विलन, आई थिंक कशिश, शी इज वेरी अट्रैक्टिव। I think सारी लड़कियाँ कशिश का नाम है। Like, are you attracted towards women or? No. I am attracted towards men only. But आपने पूछा ना most attractive Spitz villain, तो वैसे मैं बता रही हूँ as a person मुझे ऐसा लगता है कि वो more than Digvijay. No, of course Digvijay तो is my connection. वो सबसे attractive है, उसकी abs से मेरी नजर कभी भी नहीं हटती है और अभी भी मैं imagine कर रही हूँ. But girls में भी अगर आप पूछो तो आप love gen में किसके साथ जाना चाहती थी? Digvijay. मेरा बहुत ज्यादा मन था यार जाने से पहले, एक बार तो मेरे को था कि एक बार मैं दिग्विजय के साथ लव डेट में चले जाऊं। According to you, who will win the show? दिग्विजय। Okay, दिग्विजय। Definitely दिग्विजय। तो किसके साथ चाहते हो आप दिग्विजय जीते? See, अगर मेरे चाहने पे मानो तो मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ ही जीते, बट अब चीजें बिल्कुल पलट चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नायरा, मैंने बताया आपको डबल फेस्ड है, अगर उसके पास पावर है और वो दिग्विजय के साथ ही परफॉर्म कर सकती है तो आई थिंक वो दोनों जीत सकते हैं शो अगर वो साथ में रहें, बिकॉज आई थिंक कि नायरा कभी भी अरबाज को नहीं चूज करेगी ओवर पावर्स। आप अपना लास्ट मैसेज अपने फैंस को क्या देना चाहती हो? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ और मैं वैसी ही रही हूँ शो में, एक रियल लाइफ और रील लाइफ होती है उसमें मैं दोनों में सेम हूँ एग्जैक्ट, मैंने और लोगों की तरह फेक नहीं किया है, जो भी किया है बिल्कुल रियल किया है, जैसी मैं हूँ वैसी मैंने दिखाया है, मैं कोई फेक नहीं किया, जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं यहाँ तक पहुँची, एंड रही बात बाकी सब की, तो बाकी सब तो आप देखना कितने कैसे पलटने वाले हैं सारी चीज़ें, बट या हम आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे एंड आई होप आपकी प्यार की जर्नी हमेशा कंटिन्यू होती रहे लाइफ में। यस डेफिनेटली, सो गाइस दिस वाज उन्नति, कीप वाचिंग MTV Spoochula season 15, बाय।